दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत नेमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज है 37वां वीडियो। इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है लोन अकाउंट या एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो लोन क्या होता है? सबसे पहले मतलब नॉर्मली आपको एक चीज बताता हूं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लोन या तो किसी से लेती है या तो किसी को देती है अपने बंदे को। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली बेसिकली जो फर्म रहती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, वो या तो अपने, जैसे कि मान लीजिए ए और बी और सी पार्टनर है, ठीक है, ये तीन पार्टनर है फर्म। अब जैसे कि फर्म के पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो फर्म किससे लोन लेगी? पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, या तो फर्म किसी आउटसाइडर से लोन लेगी। मतलब क्या कि जैसे कि ए की वाइफ हो गई, या बी का कोई और रिश्तेदार हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि और कोई तीसरा और दूसरा कहीं से बंदा आया, मतलब आउटसाइडर, आउटसाइडर से लोन लेना। तो ये क्या हो गई? पहली कंडीशन, आउटसाइडर, ठीक, फ्रॉम आउटसाइडर। अब आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन मतलब कि या तो फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने ही बंदे में से किसी से लोन ले रही है। मतलब या तो ए से लोन ले रही है, तो बी से ले रही है, तो सी से ले रही है। अब फर्म के पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो ये भी हो सकता है कि ए ने लोन दे दिया हो यार फर्म को, ठीक है। तो लोन फ्रॉम इनसाइडर मतलब अपना वाला, ठीक, इनसाइडर मतलब ये पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे अगर जो फर्म है वो लोन ले रही है तो, ठीक। अब एक और तीसरी कंडीशन आ जाती है जो बहुत हटके है, कि फर्म किसी को लोन देगी, ठीक, अगर इन तीनों में से अगर जैसे किसी को लोन दी है, ठीक, पार्टनर जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो फर्म ने किसी को लोन दी है, ठीक, टू पार्टनर, ठीक। अब इसकी मैं आपको बैलेंस शीट में बताता हूं कि किस साइड क्या लिखा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले असेट्स हम क्या ले, जैसे कि लोन टू ए, ठीक, लोन फ्रॉम एज वाइफ, या फिर लोन फ्रॉम ए, सॉरी, लोन टू अपन बी कर लेते हैं, ठीक, बी। अब मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो समझिए अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो लोन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे मतलब, ठीक। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट जो रहती है फाइनल, ठीक है, उसमें असर से साइड अगर लोन दिया है, मतलब कि अगर फर्म ने अपने ही बाबा किसी पार्टनर को लोन दी है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक। अगर किसी आउटसाइडर से लोन ली है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर किसी अपने ही मतलब इनसाइडर से ही लोन ली है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो वो तीनों कंडीशन में हम देखेंगे कि तीनों कंडीशन में क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से, इससे कि लोन फ्रॉम एज वाइफ, ठीक। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब कि 35वें वीडियो में बताया था कि अगर जो फर्म है आउटसाइडर से लोन लेती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ठीक, मैं आपको पिछले 35वें वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जो आउटसाइडर को अगर फर्म लोन देती है, पहली कंडीशन तो आउटसाइडर की है, ठीक। अगर फर्म किसी आउटसाइडर को लोन देती है तो उसको सबसे पहले हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक। ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आउटसाइडर्स लोन होता है उसको हम किस साइड ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, किसको, ये वाले को, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके फिर बाद में पे कर देते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, पहले की बात हो गई कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, मतलब कि 35वें भी पढ़ लिया था, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइडर को अगर, मतलब आउटसाइडर से अगर फर्म को लोन मिलता है, या फिर किसी आउटसाइडर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किसने लोन दिया था, एक ही वाइफ ने लोन दी थी, किसको दी थी, फर्म को लोन दी थी, ठीक है। तो अब
ये तो बता दिया मैंने आपको पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन में क्या होता है, क्या करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में उस लोन के अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं और देन हम उस अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन। अब आती है दूसरी कंडीशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोन फ्रॉम इनसाइडर, अपने ही वाले से, अपने ही बंदे से, मतलब अपने ही पार्टनर से अगर फर्म लोन ले रही है तो क्या होगा। तो गाइस ये मेन मुद्दा है, मतलब मेन टॉपिक यही है कि अगर जो फर्म है अपने इनसाइडर से, मतलब अपने ही पार्टनर से लोन लेती है तो क्या करेगी फर्म, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी लायबिलिटी साइड ही लिखेगी, जो बैलेंस शीट रहेगी उसमें भी लायबिलिटी साइड ही लिखा रहेगा कि लोन फ्रॉम बी, बी ने हमको लोन दिया, ठीक है, कितने का दिया, जैसे 20,000 का दिया, ठीक है। तो ये तो लिखा है भाई बैलेंस शीट में, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो गाइज आप एक बात याद रखिए कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना, उसके जस्ट बाद अगर ऐसा कोई लोन का कुछ दिया है फंडा कि किसी पार्टनर ने, किसी अपने ही पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के बाद लोन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये अकाउंट जो है, अगर जैसे आप इनसाइडर नहीं, जैसे यहां पे क्या, ये तीन तो पार्टनर ही थे, बी ने अगर लोन दिया हो फर्म को, तो ठीक है, तो इसका अलग से लोन अकाउंट बनेगा। वाइफ के कंडीशन में नहीं बना क्योंकि आउटसाइडर था वो, उसको हमने रियलाइजेशन में पोर्ट करे और पे कर दिए, लेकिन जो बी है उसको हम, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट का क्या नाम होगा? बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट नाम का एक अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट में हम क्या करेंगे, इस जो अमाउंट है 20,000 उसको ट्रांसफर करेंगे, 20,000 जो अमाउंट है उसको बाय बैलेंस, ठीक है, और टू बैंक या कैश करके पेमेंट कर देंगे, टू बैंक या कैश, ठीक है। तो क्या जो सेकंड कंडीशन है, अगर कोई अपना ही वाला फर्म को लोन देता है तो क्या करेंगे, पहले तो एक लोन अकाउंट बनाएंगे उसी के नाम का, पार्टनर के नाम का जिसने लोन दिया है, ठीक, उसका लोन अकाउंट बनाएंगे, उसकी जो लोन अमाउंट है उसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे उस अकाउंट में और देन हम उसको पे करेंगे। तो ये क्या है, ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये थी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन मतलब जब अपना अपना ही वाला हमको लोन देता हो तो लोन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दी रहती है उसमें असेट साइड भी एक लोन दिया रहता है, तो वो कौन सा लोन है, ठीक है, वो वाला लोन है कि अगर जो फर्म है किसी पार्टनर को लोन देती है तो क्या होगा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन जो है यही है कि अगर मतलब लोन टू ए, फर्म ने ए को लोन दी, कितने का दी, मान लीजिए 30,000 का, 30,000 का फर्म ने ए को 30,000 का लोन दी, अब ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब जरा सोचिए कि ये जो ए है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होगा, ऑब्वियस बात है कि सारे पार्टनर्स का जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना होगा, तो फर्म क्या करती है, इस लोन अमाउंट को उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काट लेगी। ध्यान से सुनिए, एक बार समझ भी लीजिए कि जैसे ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका है, जैसे मान लीजिए ए का, एज कैपिटल अकाउंट, अब क्या हुआ होगा, जरा सोचिए कि इसकी जो ओवरऑल जो चीजें हैं सब आई होंगी, ठीक, तो इसका टोटल आया होगा जैसे कि जो भी आया एक्स वाई जेड, ठीक है, वो जो टोटल आया वो, और फिर क्या जो फर्म क्या करती है, इस अमाउंट को जो ए को लोन दी थी उस अमाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेती, मतलब यहां क्या लिख देगी, लोन टू ए करके 30,000 का जो अमाउंट है उस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगी। तो क्या होगा इससे कि उसका जो पैसा है, मतलब जो लोन है वो भी उसकी कैपिटल से कट जाएगा, ठीक, तो फर्म का भी हो गया और उसका तो थोड़ा सा लॉस हुआ ही, ऑब्वियस सी बात है कि भाई लोन लिया था उसने तो थोड़ा सा तो लॉस हो गई ना, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको तीन कंडीशन बताई, किन चीजों की, मतलब कि लोन की, लोन के बारे में कि अगर फर्म आउटसाइडर से लोन लेती तो क्या होता है, अपने ही इनसाइडर से लोन लेती, किसी पार्टनर से लोन लेती है तो क्या होता है, और तीसरी कंडीशन कि अगर किसी पार्टनर को लोन देती है तो क्या होता है, ठीक है गाइस। तो ये था 37वां वीडियो,
अगर आपको ये 37वां वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।